हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस कैसे हो आप लोग? सो गाइस, आप लोग अच्छा ही होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। पहले से बहुत सही हो गया मेरा तबीयत, पहले तो बहुत ही ख़राब था भाई। सो गाइस, अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज है विश्वकर्मा पूजा, तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। और आज के दिन ही हर लोग अपने बाइक्स, जो भी चीज़ें होती है मशीनियरी, वो सब चीज़ों को पूजा वूजा करते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से वो आपके साथ रहे, साथ दे। और गाइस, हर विश्वकर्मा पूजा में हम लोग घड़े जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूजा वूजा होता है, मेला वाला लगता है, अच्छा लगता है उधर। तो इस बार ही सारा लोग चले गए हैं, देख सकते हो, क्योंकि एक दो दिन बाद एक और घर का पूजा है, उसके लिए भी पूरे रूम के लड़के चले गए हैं। मैं और एक और लड़का बच्चा है, वो बच्चा वो भी थोड़ा देर में निकल जाएगा, तो सोचा कि मैं भी फ्रेश व्रेश होकर के निकल जाता हूँ। वैसे शाम को निकलता, लेकिन शाम में अभी मैं क्या रखा है, फिर से खाना बनाना पड़ता, फिर बर्तन साफ करो, ये करो वो करो, भाई स्टूडेंट लाइफ ऐसी तरह है। सोचा कि चलो चलते हैं, 9-10 बज रहा है, एक घंटा में घर पहुँच जाएंगे, घर पर ही नहावा के आराम से खा लेंगे। सो गाइस, रेडी उडी हो गए हैं एकदम मस्त, घर पे जाके ही ये बाइक का पूजा वूजा करेंगे उधर ही, इसलिए नहाए वहाए भी नहीं है, इसी तरह फ्रेश होकर के निकल जाते हैं, क्योंकि घर पे साथ में पूजा हो जाएगा दोनों गाड़ी का, तो सही रहेगा। और वहाँ पे क्या है कि धोने उने की भी सुविधा घर पे अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं, रूम पे धोने का सुविधा नहीं रहता है, बाल्टी से पानी नहीं भरना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो गाइस देखो, मैंने सारे कपड़ा उपड़ा रख लिया है, इधर का भी और इधर का भी, इसलिए रख लिया कि सारा गंदा हो गया था, मतलब एक दो नया है तो इधर बैग में रखा है, तो सारा साफ़ हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि घर पे वॉशिंग मशीन है, उसमें पूरा साफ़ हो जाएगा, पूरा कपड़ा। इधर बेड शीट भी रख लिया अंदर का, जो भी कुछ है, एक बूढ़ा हो गया है कपड़ा, देखो इसमें सिर्फ एक बेड शीट है, बाकी बात और कुछ भी नहीं है, तो पूरा पैक हो गया, लेके जाएंगे घर पर साफ़ हो जाएगा आराम से, अच्छा रहेगा, नहीं तो इतना कपड़ा साफ़ करने में भाई बहुत दिक्कत होता है। सो गाइस चलते हैं पहले, बिना लेट किए हुए। सो गाइस, बस अभी 10 मिनट पहले ही घर पे आया, इधर पहुंचा तो पूरा एकदम सामान बिखरा फिखरा पड़ा है, कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं, उसके बाद गाइस बाइक साफ़ करना है, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आज तो साफ़ करना बनता है, उसको साफ़ करके पूजा वूजा करना पड़ेगा, तो ये अलग है। सो गाइस चलो चलते हैं, अभी लाइट भी है तो साफ़ करना ईजी रहेगा, नहीं तो लाइट कट गया तो फिर साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। गाइस, पापा वाला गाड़ी तो एकदम न्यू होके रखा गया है, एकदम मस्त, देखो कितनी चमक रहा है, चलो उसको कोई बोल सकता है सेकेंड हैंड बाइक है, दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो, ओ भाई ये धुलाई देख के तो पापा से मन कर रहा है पापा से ही अपना बाइक भी धुलवा ले। कितनी मस्त लग रही है, इसको भी गाइस साफ करना है फटफटी को, भाई ये बहुत काम की चीज़ है गाइस, ऐसा नहीं कि फटफटी, ये भाई जी के शादी में बहुत काम दिया था, जब लाइट जाता था तो यही काम आता था, बाकी बात कुछ भी नहीं। तो गाइस ये रही अपनी, देख रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ गाइस अभी भी थोड़ा पूरा ठंडा तो नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा भी पकड़ा है, क्योंकि कभी भी गाइस ऐसा रहता है ना कि गाड़ी का इंजन गर्म हो तो ऐसे धोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अगर ऐसे धोओगे तो इसका जो भी ऊपर का कलर है सारा ख़त्म हो जाएगा, गर्म है ना ये, बहुत ज़्यादा गर्म है गाइस, तो मैं इसको अभी नहीं धोऊंगा, और वेट कर लेता हूँ थोड़ा, इसलिए मैं गाड़ी ठंडा में लगाया था देखो, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि गाइस इसका इंजन यही प्रॉब्लम है, जल्दी ठंडा नहीं होता, बहुत टाइम लेता है इसका इंजन ठंडा होने में। सो गाइस इनको थोड़ा और पीछे कर देते हैं, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, और जल्दी इसको धो करके मैं जल्दी से खाना भी खा लूँ, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोर से लगा है। गाइस मस्त नहा वहा के रेडी हो गया, गाड़ी उड़ी भी सारा चीज़ धोआ हुआ गया, एक ही गाड़ी धोना था, एक तो पापा पहले से ही धो चुके थे, तो सारा धोआ हुआ गया है और मैं भी धोया गया हूँ, तो दिखाता हूँ आपको गाड़ी,
कैसे दोनों लाइन से लगा है। सो गाइस ये देखो अब फ्रेश हो गए सब लोग, अब चलो पूजा करते हैं भगवान विश्वकर्मा की। तब तक रेडी उडी हो जाते हैं, शॉर्ट पहन लेते हैं, उसके बाद कथी मम्मी 12:30। सो गाइस मैं शॉर्ट भी पहन लिया, रेडी उडी हो गया, चलो पूजा की थाली लेके आते हैं। नमो नमो शंकर, नमो नमो शंकर, नमो नमो शंकर।
सो गाइस, यार अभी गांव के बगल में एक जगह मेला देख लगा था, तो तीन चार लड़का हम लोग सब गए थे वहीं पे देखने, थोड़ा प्रोग्राम भी था तो वही देख रहा था। अभी गाइस रात के 12 बज रहा है, 12:30, और सारे लोग चल गए अपने अपने घर, मैं भी जा रहा हूँ।